أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرور. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. उन्हें जड़ी जिंदगी गुनाह आलूद हो गई है या अंदरों गुनाह करने की तमन्ना पैदा होती है या नफ्स जड़ा गुनाह की तरफ मायल हो गया तो इसका कोई तदारुक कोई इसका इलाज कोई इस तो बचने का सबब अल्लाह करीम ने अपने बंदियां जेड़े ईमान जिन्हां नूं नसीब होया उन्हां नूं अल्लाह करीम हुक्म दे रहा कि अल्लाह दे नाल तअल्लुक नूं मजबूत रखो तक या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तकुल्लाह तकवा होंदा अल्लाह जल्ला शानू दे नाल ऐसा ताल्लुक बंदे दा कि उसकी नाफरमानी करदिया डर लगे उसकी नाराजगी बर्दाश्त ना होवे और हमेशा उसकी रजा हासिल करने की कोशिश करता रहे। ये तकवा किस तरह मिले? बड़ा आसान हुक्म तो अल्लाह करीम दे दिते कि तकवा इख्तियार करो और अल्लाह दे नाल ताल्लुक कायम करो। तो तकवा किस तरह नसीब है? फरमाया वबतगू इलैहिल वसीला उस दे वास्ते वसीला तलाश करो कोई ऐसा सबब तलाश करो जिस नतीजतन तकवा नसीब होए। तो वसीला के है सब तो वड्डा वसीला नबी करीम सल्लम ने दस्या अल्लाह दे नाल अल्लाह दी मुहब्बत तुसी चाहते हो तो फत्ता भी उन्हीं युखबिबकुमुल्लाह मेरा इत्तेबा करो अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा तुहानू महबूब बना लेगा। तो सब तो वड्डा और पहला वसीला यह है कि नबी करीम सल्लम का इत्तेबा खुलूस दिल ना किया जाए। ये जरा हुजूर का इत्तेबा ये वसीला बन जाएगा मुहब्बत इलाही का और जिसले मुहब्बत इलाही नसीब होएगी तो तकवा आ जाएगा। जिसले मुहब्बत आ जाए तो फिर वो किस तरह वो मुमकिन है कि अल्लाह की नाराजगी बंदा बर्दाश्त करे। वो शायर ने आख्या सी कि जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ कैसे भुला सकता है दिल उनका ख्याल आया हुआ। भाई वो जिस तरह शीशे बाल आ वजे ना तिड़क आ वजे तो वो फिर मिटदी नहीं। इसी तरह महबूब की याद दिल च रस जाए तो वो अपना एक ऐसा असर कर दी है कि अपनी लाइन एक अपनी बना दें खत छिक दें चीर दें दिल में फिर वो निकलती नहीं। वो ताल्लुक पैदा कर नबी करीम सल्लम ने सब तो वड्डा वसीला दस्या कि इत्ता भी उन्नी मेरी पैरवी करो युखबिबकुमुल्लाह अल्लाह तुहानू महबूब बना ले। बहुत बड़ा वसीला। इसे तरह इंसानी मिजाज ऐसा कि जैसे लोगों की महफल बंदा बांधा उन्होंने गल्लां सुनदा उन्होंने कम करदा उस तरह का होने लग पाउंदा। इस तरह अल्लाह दे नेक बंदे जिस तरह अंबिया की खिदमत आली जाना अंबिया तो बाद नेक लोगों के कोल बैठना उलमा की मजलस से जाना इलमी गल्लां सुननियां नेकी दियां गल्लां सुननियां नेक लोगों कोल बैठना ये भी वसीला बन जाता। यानी हर वो सबब जेड़ा अल्लाह की मुहब्बत पैदा करे वो अल्लाह की मुहब्बत पैदा करने का सबब हो गया। सब तो वड्डा सबब इत्तेबाए शरीयत। हुण इत्तेबाए शरीयत वास्ते हुजूर दे तबा वास्ते हुजूर दे आकाम और इरशादात नूं जानना शर्त है।
जानने वास्ते जानने वाले कोल जाना शर्त है, उन्होंने गल्लां सुनेगा, ये उन्होंने को पढ़ेगा, ये सीखेगा तो जानेगा और फिर तौफीक अमल होएगी। इसका मतलब है कि अहलुल्लाह दे कोल या उलमाए हक की खिदमत आली जाना भी एक अल्लाह की रजा का वसीला बनवेंदा, उन्होंने मजलिस बैठना भी अल्लाह की रजा का वसीला बनवेंदा, उन्होंने कोलों सीखना, उन्होंने गल्लां सुननियां, उन्होंने महफिल बहना, उन्होंने तो मुतासर होना। और ये जड़ा वसीला इस तरह ये बड़ा ये वसीले के मामले तो बड़िया लंबिया बहसा और इसते हूँ साढ़े कोई फिरके अलग हो गए, मुसलमान तबके अलग हो गए कि एक वसीले का बिल्कुल इनकार करते हैं, दूसरे बगैर वसीले के सह ही नहीं लेंदे, वो आदि वसीले तो बगैर ईमान भी कोई नहीं। ये मतलब इतनी शिद्दत आ गई है, गल बड़ी सौखी जी है कि कोई भी वो हीला, कोई भी वो जरिया, कोई भी वो तरीका जिहड़ा अल्लाह की रजा हासिल करने का सबब बने और नेकी ते तौफीक होवे, वो वसीला बन जांदा अल्लाह की तरफ। उसे ज नेक आमाल भी, इत्तबाए शरीयत भी, फिर शरीयत का सीखना, अहले शरीयत दे कोल बैठना, उलमाए हक दे कोल बैठना, नेकां दी मजलिस च बैठना, ये सारिया चीज़ां वसीला बन जांदियां। इस तरह इस वसीले नाल दुआ भी करना जायज़ है। जिस तरह बुखारी शरीफ चाहता कि वह त्रै बंदे गार फस गए और हर एक ने अपने अपने अमल के वसीले ना दुआ की थी, तो एक ने दुआ की थी थोड़ा जहा रस्ता बन गया, दूसरे की थी तो ज़्यादा बन गया, तीसरे की थी तो बिल्कुल साफ रस्ता बन गया। तो ये जड़े आमाल ने भी तो मखलूक हैं, तो मखलूक न वसीला दे के तो दुआ मंगी गई तो अल्लाह ने कबूल फरमा ली। तो अहलुल्लाह दे वसीले नाल भी इस तरह दुआ करनी कि या अल्लाह मैं तेरे फलाने नेक आदमी का शागिर्द हाँ, मैं तेरे फलाने नेक बंदे का मुरीद हाँ, मैं तेरे नेक बंद को बैठना, उन्होंने नेकी की वसादत ना मेरी दुआ कबूल कर ले। तो गल तो अल्लाह ही नाल पे करदा ना, इसे शिरक कित्थों आ गया, इसे तो कोई जुर्म नहीं, मंगता तो रब कोलों पिया, गल भी अल्लाह को पिया करता। इस तरह का जरा है वसीला ये तवस्सुल जायज़ है। जिस तरह हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु किसे आख्या जी कैद पै गया, बारिश नहीं हुई, बारिश वास्ते दुआ करो, तो उन्हें हाथ उठाए तो ना दुआ मंगी, या अल्लाह मैं तेरे नबी का चाचा भी हाँ, तो वह मनन वाला भी हाँ, वह पैरोकार भी हाँ, साहबी भी हाँ, तो तेरे नबी का चाचा भी हाँ, तो वह वसादत ना मेरी दुआ कबूल फरमा लिया, अल्लाह किया बारिश होगी। यानी ये इस तरह गल तो उन्होंने अल्लाह करीम ना करता पाया ना जी, अल्लाह हुक्म दे रहा वब्तगू इलैहि वसीला, अल्लाह की बारगाह सबब तलाश करो, ऐसे असबाब, अगर दूरी के असबाब हैं, बुरे लोगों ना बैठना दूरी का सबब बनवाता, बुरी गल्लां सीखनियां दूरी का सबब बनवाता, बुरे काम करना दूरी का सबब बनवाता, तो कुरब के भी तो असबाब हैं ना, जेड़े असबाब कुरब हैं वह वसीला बनवाने, उन्होंने वसीला आखते हैं। वब्तगू इलैहि वसीला, कोई असबाब तलाश करो यारे, कोई काम करो, कोई तरीका इख्तियार करो अल्लाह दे नाल ताल्लुक पैदा करने का, तकवा तकवा जिहड़ा हासिल करने का कोई सबब पैदा करो। वसीला एक सबब है, और सब तो बड़ा वसीला है इत्तबाए शरीयत। हुण इत्तबाए शरीयत वास्ते शरीयत जानेगा तो इत्तबा करेगा, फिर नेक लोगों के बैठने ना मिजाज ज नेकी आउंदी है और शरीयत ते अमल करने ते दिल करन लग पाउंदा, वसीला बन गया। वजाहिदू फी सबीलिही, फिर ये नहीं कि वसीला लभ गया तो कम हो गया, नहीं, जिहड़ा तरीका लद्दा उसते मेहनत करो, मुजाहिदा करो, पूरी जिंदगी ला दो, इसे कोई छुट्टी नहीं, पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा उस जरिए ते उस सबब ते उस वसीले ते ला दो, अल्लाह की रजा वास्ते फराइज उसके औकात ते अदा करो, जकात अपने निसाब के मुताबिक अदा करो, गल नेकी दी करो, कम नेक करो, माशरे च नेकी फैलाओ, बुराई दे रोकने का सबब बनो, जेड़े आकाम हजूर ने दिते उन्होंने पूरी पूरी मेहनत ना अमल करो, यो सी जिहाद और मुजाहिदा, यानी मेहनत ना पूरे कोशिश दे नाल उसते अमल करो। वजाहिदू फी सबीलिही, अल्लाह दी राह विच हमेशा जिहाद करो। अगर कुफार दे नाल मुकाबला आ गया तो जिहाद फर्ज़े ऐन उन लोगों ते उसी जेड़े उत्थे मौजूद हैं, उन्होंने मुकाबला कर सकते हैं, अगर उन्हें तो वध गया तो दूसरे ते फर्ज़े ऐन हो जाएगा, वरना दूसरे ते फर्ज़े कफाया रहेगा।
लेकिन नेकी ते अमल करने वास्ते कोशिश करना ये जिहाद अकबर है और हर एक ते फर्ज ऐन है और इसे कोई छुट्टी नहीं। यानी हमेशा ये कोशिश जारी रखे कि अल्लाह करीम दी इतात वास्ते बहुत मेहनत बहुत कोशिश और बहुत हिम्मत की रखे। बाद लोग आदन ना जी दुआ करो जी मैं नमाजी हो वहाँ दुआ करो जी मैं तहज्जुद पढ़ रही। दुरुस्त है दुआ करना अच्छी गल है नेकी वास्ते कि अल्लाह नेकी दी तौफीक दे, लेकिन सिर्फ दुआ ते गल रहेगी नहीं, खुद मेहनत भी करेगा कोशिश भी करेगा अपने दिल में फैसला भी करेगा कि मैं तहज्जुद वास्ते उठना उठने की कोशिश भी करेगा, अलार्म ला रखेगा, किसी ने आखेगा मैं जगाई उस जगाया तो उठ भी पाएगा तो दुआ भी असर करेगी। तो जे दुआ मंगते रहो होर तो अमल दुआ के खिलाफ करते रहो तो फिर तो गल नहीं बननी। एक बंदा जहर खाना पे हो तो दुआ करता पे अल्लाह मैं लंबी उम्र नहीं दे, ये तो गुस्ताखी है, दुआ नहीं ये बारगाह बारी ताला गुस्ताखी है कि खाना जहर पे दुआ आप बुराई तो आप शराब पीने से लग वजें आप बदकारी से लग तुम दुआ करो मैंने एक वजह ये नहीं। मुजाहिदा करे खुद नेकी दी कोशिश भी करे जिहाद करे जिंदगी हिक हिक कम ते मेहनत करे जोर लाए कि मैं इत्थे अल्लाह दी इताअत करनी और नाफरमानी नहीं करनी। नाल फिर दुआ भी वसीला बनवैंदी है, नेकां दी मजलस भी वसीला बनवैंदी है, बाद लोकां दी ज़ियारत भी वसीला बनवैंदी। सो फरमाया वजाहिदु फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, उसकी बारगाह विच मुजाहिदा करते रहो मेहनत करते रहो और हमेशा कोशिश करते रहो जितनी मुमकिन है उतनी करते रहो, फिर वो गफूर रहीम है, वो कादिर गुनाह माफ़ बख्शन हार गुनाह भी माफ़ कर देंदा लच्चा भी माफ़ कर देंदा, थोड़ी नेकी नू बहुत ज़्यादा बढ़ा के उस दाजर दे देंदा। लेकिन बदले के जिम्मे है कि वसीला इख्तियार करे और उसते मुजाहिदा करे मेहनत करे। ये जिहाद अकबर है कि अपने आप दे नाल हर वेले ये जिहाद जारी रखे कि मैं अल्लाह की इताअत करनी है। इन अल्लज़ीन कफरू, जिन्हें लोगों ने कुफर इख्तियार किया अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत छोड़ दिती, तो मकसद तो दुनियावी लज़ात ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी या दुनिया का माल जमा करना ही है, होर कुफर कई वास्ते किसे करना। अल्लाह की इताअत नहीं करता, अल्लाह के हबीब सल्लम की इताअत नहीं करता, अल्लाह की किताब नहीं नहीं मनता, तो मकसद तो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है ना, तो नफ्स की ख्वाहिशात दुनियावी लज़ात हो सन या दुनियावी माल हो सी और के है। फरमाया अगर इन्हें जो एक काफर जो कुछ दुनिया ते है सारा वो जमा कर ले सारा एक ही बंदे को आ जाए, फिर यह नहीं इतना होर उसनू मिल जाए जितना अल्लाह ने दुनिया माफिया ते पैदा किया इतना भी उसनू मिल जाए और इतना होर मिन अल्लज़ीन कफरू लौ अन्न लहुम मा फिल अर्द जमीया, अगर सारा रूह जमीन ते जितनी दौलत जरो जवाहर सोना चांदी रुपया पैसा है सारा हिक्की को जेड़ा मुमकिन नहीं, अगर ऐसा हो भी जाए फिर उसको दो गुना कर दिता जाए इतना होर बना दिता जाए वो सारा उसके कोल होवे लयफ्तदो बिही मिन अज़ाब यौमल क़ियामा, और फिर वो आके क़ियामत दे दिन कि या अल्लाह हे सारा माल लै लै अब मेरी अजाब तो जान छुड़ा दे, माँ तो कुब्बेला मिनहुम उन्हें तो कबूल नहीं किया जाए। इन दुनिया की दौलत जी बंदा जिस दे लालच च आके तो उसका कुछ हिस्सा, अगर 6 अरब दुनिया की आबादी है 600 करोड़ लोग हैं तो 600 करोड़ लोगों को दौलत है ना, तो एक बंदा कितनी बिचो जमा कर लेगा, तो जे ये सारे बाकी मारूम रह वजन सारी दौलत एक को आ जाए जितने रूए जमीन ते है जेड़ी पैदा की रब सारी उस को आ जाए, जे ये भी नहीं पता वो सारी दौलत जमीन के सीने कितना सोना दफन है कितनी दातें दफन कितने खजाने दफन और वो सारे तो बंदे के हाथ च नहीं आ गए, लेकिन अगर किसी बंदे जेड़ा जेरे जमीन जेड़ा समुद्रां
जेड़ा फौजा जिथे जितनी दौलत है सारी एक बंदे जमा करके दे दी जाए, फिर उसनों दो गुना कर दिता जाए तो कितनी दौलत उसके को होगी आदमी तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन कयामत का मुहासबा इतना यकीनी इतना सख्त है कि अगर दुनिया से उसने कुफर किया तो मैदान हशर चो सारी दौलत दे के आखे कि या अल्लाह मेरे गुनाह का मेरा कुफर माफ़ कर दे, अल्लाह फरमाया कबूल नहीं की जाएगी। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उन्होंने दर्दनाक अजाब दिता जाएगा। पहले तो अजाब का ना ही अजाब है, अजाब है ही तकलीफ दे चीज। तो जिस अजाब नू अल्लाह आखे कि दर्दनाक और तकलीफ दे भी होएगा, फिर उसका क्या अंदाजा होएगा। अल्लाह करीम माफ फरमाए और अपने अजाबा तो महफूज रखे, और दिल विच जितने तई अल्लाह करीम दी याद ना आवे, दिल जाकिर ना होवे, दिल नू यादे इलाही दी लज्जत नसीब ना होए, लज्जत गुनाह नू छड़दा नहीं। ये बड़ी अजीब गल है, पता नहीं ये असानू समझ क्यों नहीं आउंदी। बंदा नमाजा पढ़ता रहा, बंदा रोजे रखता रहा, लेकिन अल्लाह दे नाल जेड़ा खलूस और लिलाहियत है ना, वो बड़ी औखी हासिल होती है। तकते नो दुकानदार कितने नमाजी भी हैं, लेकिन कोई एक दुकान हाजी भी हैं, लेकिन कोई ऐसा दुकानदार लभदा जिसते अखी नूट के एतबार कर ली। कारोबार लैन देने बोलने घर के मामलात बिरादरी के मामलात बंदे झगड़े लड़ाइया फसाद पाई रखते, हालां बाज़ाहिर नमाजी भी होने, तस्बीह भी हथे रखी होती है, तलावत भी करते, मिजाज फर्क क्यों नहीं पाँगा। इस वास्ते कि दिल साथ नहीं दे रहा हूँ, विचला भी नाल हो ना। एक दफ़ा चकवाल एक जलसा हो रहा सी और उसी कादियानिया के खिलाफ, तो मैं महकमा तालीम मुलाजमत कर दो साढ़े एक अफसर आया सी उत्थे बैठे हैं उदे कोल, तो मैं क्या सर जलसा होंदा पिया तो चल के सुनिए उन्होंने गल। मैं अजय याद है, हाला ये बहुत पुरानी गल है, 50 साल 55 साल पहले दी। तो वो आखन लगे यार विचले ही नहीं मनदा कादियानी नबी उसी तो खिलाफ जलसा सुनने की केड़ी लोड़, यानी विचला ये गल मनते ही नहीं तो फिर जलसे की मैंने केड़ी लोड़ है, तो किसी ने कुछ बात हो सुने। लेकिन कैसा सालिड और ठोस ईमान है, और ईमान यह है कि विचला नहीं मनता। असल गल तो यह है कि दिल जेड़ा वो किस गलते मुतमैन ने, दिल याद इलाही ते और रजा इलाही ते मुतमैन हो जाए तो फिर आमाल का स्वाद आता, लज्जत आँगी, और उन्होंने नतायज मुरतब होने, और नतायज हर नेकी दे दुनिया से मुरतब होने कि मजीद नेकी की तौफीक होती, गुनाह तो बचने की तौफीक होती, और आखरत ही तो अल्लाह का इनाम है वो कितने देगा। सो फरमाया कि जेड़े लोग इस नेमत नू छोड़ के मैं इस दुनिया की दौलत वास्ते अल्लाह की नाफरमानी कर दे, पहली गल तो कि सारी दौलत उन्होंने मिलती नहीं। अगर दुनिया वो माफी हा सारी एक ही बंदे को जमा हो जाए, फिर उसमें दो गुना भी कर दिया जाए तो उसको क्यामत के अजाब तो नहीं छुड़ा सकेगी, उन्होंने दर्दनाक अजाब होगा। बल्कि युरीदूना यखरुजू मिन नार, घाबरनगे सड़नगे मार पेगी, चान गए कि नसीए किसे पासे दोजख से निकल जाइए, वमा हम बेखारजीन मिना, लेकिन उत निकल नहीं सके, जिल्लत होएगी, फरिश्ते मारनगे, सजा देंगे, दर्दनाक अजाब होंगे, वे ताशा सब पठुए होंगे, भड़कती अग होएगी, जला रही होएगी, तरह तरह के अजाब, फिर नसनगे कि निकल चलिए दोज़ख से, मा हम बेखारिजीन मिन्हा, लेकिन उस निकल नहीं सकनगे। वलहुम अजाब मुकीम, उन्होंने ते अजाब कायम कर दिता जाएगा, उसे छुट्टी छट्टी कोई नहीं आएगी, ना उस तो नसने का कोई जाओ, वो उन्होंने मुकीम कर दिता जाएगा, पक्का कर दिता जाएगा, मुसल्लत कर दिता जाएगा, फिर उस जो निकल नहीं सकनगे, कोई राह निकलने का नहीं होएगा, कोई नसने का राह नहीं होएगा। लिहाजा ये जी चंद रोज़ा जिंदगी है इस दे विच ही बड़ा वड्डा रस्ता, और वह है इत्तबाए नबुव्वत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दामान रहमत नप लो, अपने अकीदे और अमल दी और किरदार दी इसलाह करो, वरना मौत अगर कुफर ते आ गई फिर कोई रस्ता नसने दा नहीं लभेगा। तो इंसानी जिंदगी जेड़ी अल्लाह करीम ने इंसान नू थोड़ी जी दित्ती है,
ये अगर बड़ी ज़्यादा भी होवे ना तो बहुत थोड़ी है। इसका एक हिस्सा तो बचपन तो लड़कपन तो नादानी की नज़र हो गया, एक उम्र का वो हिस्सा होंदा जिहड़ा बुढ़ापे की नज़र हो जाता, नज़र ना रही, कन ना रहे, गल करने का होश ना रहा, जमाने की खबर ना रही कि बार के होंदा पा के नहीं, जिंदगी हुई भी तो सिर्फ सुबह शाम जो चंद लुकमे नसीब हो खा ले तो पिया रहा या सुता रहा या बैठा रहा, न गल सुनने जोगा ना। ये जो दरम्यानी वक्फा ये भी पंजी त्री साल चाली साल कल पंजा ला लो, इस पंजा चो भी अद्धिया तो राती सुत्या गुजर गई, पंजी रह गए। बड़ा खुश नसीब है जिसनों पंजा मिल वजन, वी साल बचपन दे कढ़ो ना तो अगो बाद जिंदगी व सत्तर साल उसमें उम्र हो तो पंजा मिले, सत्तर तो पिछे उन काम तो जाना रहा। तो ये जो थोड़ा जहा बिच अरसा ये इतना कीमती है कि इस ते आखरत दी दायमी और हमेशा हमेशा दी जिंदगी दा मदार है, जिथे मौत नहीं आनी, जिथे कम मुकना नहीं, क्योंकि रूह आलम अमर दी है और आलम अमर ते मौत नहीं, मौत खलक ते है, अमर ते फना नहीं। अमर जरा ये सिफत इलाही है और साफ इलाही अबदी और दायमीन, और रूह का ताल्लुक भी आलम अमर नाल है, ये दायमी और अबदी और हमेशा रासी। बाज़ हज़रात को मैं ये गल भी सुनी बाज़ उलमा को कि जी वो गुनाहगार ते अज़ाब होएगा और जिसले सज़ा पूरी होगी तो उन्होंने ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन याद रहे ये कुलिया जिन्नात के बारे है। जिन्नात नू जिन्नात जो नबी कोई नहीं होया, उन्होंने मारफत इलाही दी वो इस्तेदाद नसीब नहीं जड़ी इंसानों है, फिर जिन्नात वो रूह नहीं जड़ी इंसाना च। लिहाजा जिन्नात ने पूरे कुरान ने जिन्नात का जिथे जिक्र किया उत्थे फरमाया नेकी करोगे युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम, नेकी तुहानू दर्दनाक अजाब तो बचा लेगी। जन्नत दे दाखले दा जिक्र कुरान ने जिन्नात का नहीं किया, इहदा मतलब यह है कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिहड़ी मैदान हशर च पहुँचेगी, उन्हां दा इंसाफ होएगा, अगर कोई बरी होया तो उसकी जान भी छुट गई वह भी फना कर दिता जाएगा, और अगर किसी ने सज़ा हुई तो जितने उसके गुनाह इतना अरसा वो सज़ा भुगतेगा, जिले गुनाह पूरे हो गए सज़ा ख़त्म हो गई फना कर दिता जाएगा। इसे वास्ते इंसान भी आखेगा, एक काफर भी आखेगा कि काश अल्लाह मैनू भी वापस मिट्टी बना देगा, जो जिन्नात में वापस उन्होंने असर भेज दिता फना कर दते, काश मैनू भी वापस मिट्टी मिला दे अपनी असल मिला दे, मेरा वजूद मेरी रूह ख़त्म हो जाए। लेकिन इंसान खत्म नहीं होएगा, इंसान ने अगर कुफर किया और कुफर से उसकी मौत हो गई तो उसनु जन्म में हमेशा हमेशा रहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रूह तो फना होएगी नहीं, रूह फना नहीं होएगी तो रूह के नाल बदन भी सलामत रहेगा, और सलामत रहेगा तो दोज़ख चो निकल नहीं सकेगा, लिहाजा दोज़ख भी हमेशा रहेगा। और अगर जन्नत अल्लाह की मेहरबानी नाल पहुँच गया, जन्नत दी नेमतां च पहुँच गया, तो उत्थे भी अबदुल आबाद हमेशा हमेशा गैर महदूद मुद्दत वास्ते हमेशा उत्थे ही रहेगा। हुण देख लो उस हमेशा दी जिंदगी दा मदार इस दरम्यान दे थोड़े जे वक्फे दे, और इसे भी कितना दामन वसी है रहमत इलाही दा, और कितना करीम है अल्लाह दा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रब तू करीमी व रसूल दो तो करीम, सद शुक्र के हस्ते मयाने दो करीम, ऐ अल्लाह तू भी करीम है, तेरा हबीब भी करीम है, और तेरा बड़ा शुक्र के असी दो करीम जातां दे दरम्यान आ गए। यानी दामान रहमत नू थम लो तो जितने गुनाह कर चुके हो माफ़, अगर कुफर कर चुके हो तौबा कर लो, रुजू इलल्लाह कर लो, मुसलमान हो जाओ तो कुफर भी माफ़ से सारे गुनाह भी माफ़, आदमी पाक हो गया, और फिर जड़ी चंद रोज़ा जिंदगी है उसे मुजाहिदा करो, नेक लोगों के नाल रवो, नेक कम करो, नेकी सीखो, और इसते मुसलसल मुजाहिदा करो, अल्लाह की रहमत नू पाओ और अल्लाह के अज़ाब तो हमेशा वास्ते बच जाओ। वाखिर दुआ अल्लाहु 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 अल्लाहु